What is this? ये क्या है? छाता. यूरोप के लोगों ने हमारे पूर्वजों को एक छाता दिया और बदले में उन्हें 40 इंसान गुलाम के तौर पर मिले. अजीब है ना? एक पूरा इंसान. यूरोपियों को एक छाते के बदले 40 इंसान गुलाम के रूप में मिले. हमारे पास अभी भी एक बचा हुआ छाता है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा. हमारे पास वियना ऑस्ट्रिया की 1873 की एक जिन शराब की बोतल है जो 10 गुलामों के बदले मिली थी. यूरोपियों ने इसे हमारे पूर्वजों को दिया और बदले में उन्हें 10 गुलाम इंसान मिले. यूरोपीय लोग हमारे पूर्वजों को एक प्लेट देते और बदले में 10 गुलाम पाते. इस बड़ी सी तोप के बदले 100 गुलाम मिले और वे 40 गुलामों के बदले छोटी तोप देते थे. चार सौ साल पहले ट्रांस अटलांटिक गुलाम व्यापार के तहत 1,20,00,000 से भी ज्यादा अफ्रीकियों को गुलामी में बेच दिया गया था. मानव तस्कर आज भी अवैध रास्तों से यूरोप जाने की इच्छा रखने वाले कई युवा अफ्रीकियों से पैसे कमा रहे हैं. सब बोलो हम गुलाम नहीं हैं. हम गुलाम नहीं हैं. भूलना मत, मैं तुम्हें कुछ गाने सिखाऊंगा. हाँ. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें आपसे बाहर जाने के बारे में बात करनी थी. वहाँ के हमारे कुछ दोस्तों ने बताया आपने उनकी मदद की थी. मेरे भाई ने कई बार दलालों से धोखा खाया है. ये मेरी यूरोप जाने की दूसरी कोशिश है और हम असफल नहीं होना चाहते. लोगों ने हमें बताया कि हम आपके साथ सुरक्षित हैं. हाँ, मैंने बहुत बार दलालों से धोखा खाया है. बस उन्हें पैसा दो और वो गायब. यहाँ बात करना ठीक नहीं. मेरा नंबर लो और बाद में फोन करो ताकि मिलने की जगह तय कर सकें. ठीक है, हम फोन करते हैं. मैं मछुआरा हूँ. मैं नुआक शॉट में रहता हूँ और इंशाल्लाह काफी अच्छा नाविक हूँ. बीस साल तक मछली पकड़ने के बाद भी मैं कुछ खास नहीं कमा पाया. काम में अच्छा और अनुभवी होने के बाद भी मेरा अपना एक घर तक नहीं है. मैंने प्रवासियों को बाहर ले जाने के कारोबार के बारे में सुना कि ये कितना मुनाफे का काम है, तो मैंने मछली पकड़ना बंद करके कप्तान के रूप में तस्करी करने का फैसला किया. मैंने तस्करों में शामिल होने की उम्मीद से नुआदीबू बंदरगाह जाने का फैसला किया.
जैसे ही मैं नुआदीबू पहुंचा, दलाल मुझे पहचान गए और इच्छुक प्रवासियों को स्पेन पहुंचाने का काम दे दिया। बेटा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने की जरूरत है। सच में मेहनत से पढ़ो ताकि तुम मेरी तरह मछुआरे ना बनो। जब आप यहाँ नहीं होते तो ये कुछ भी गंभीरता से नहीं करता। अपनी बहनों से कुछ सीखो। समझाइए इसे, ये बिल्कुल गंभीर नहीं है। लड़का होने के नाते तुम्हें सावधान होने की जरूरत है, मेहनत से पढ़ने की जरूरत है और हर वक्त अपनी माँ का सहारा भी बनना। मैं केडी में पैदा हुआ और नुआदीबू में पला बढ़ा। मैं 2006 से बिचौलिए का काम कर रहा हूँ। सही है। हाँ, करने दो उसे। सुन क्यों नहीं रहे? मैं नहीं चाहता वो रोए। हेलो हेलो अमूनी, कैसी हो तुम? इसे ये वाली दही पसंद नहीं, वो लाल पैकेट वाली पसंद है। मैं नहीं खोल रही। खोलना मत। उसे खोलना मत, ये गिलास लो। ये गेम क्यों खराब कर रहे हो? अपना खेलो और उसे अकेला छोड़ दो। पापा, अभी आपकी बारी नहीं है। सच कहूं तो बिचौलिया बनकर भी मेरी जिंदगी में कोई खास असर नहीं हुआ। हम अभी भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं और घोर गरीबी में जी रहे हैं। यहाँ आना जरा, मैं यहाँ हूँ। भेड़ों के लिए डिब्बा कहाँ है? खत्म। सब खत्म? हाँ, वो सब खा गए। चलो नए डिब्बे बनाते हैं। शुरुआत में बिचौलिए का काम आकर्षक लगता है, आपको लगता है आप खूब कमा रहे हैं, पर जब आप घर जाते हैं, हालात और जोखिमों के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि वो कमाई इस लायक भी नहीं। पैसा इतना नहीं होता कि आप उसे किसी और धंधे में लगा पाएं या और कुछ कर पाएं। अफ्रीकियों की समुद्री यात्रा से अमेरिका तक की आवाजाही को मध्यम रास्ता यानी कि मिडिल पैसेज के नाम से जाना जाता है। चलो सब बोलो, मिडिल पैसेज। मिडिल पैसेज। जोर से बोलो, मिडिल पैसेज। और उन्हें अटलांटिक महासागर के पार ले जाने वाले पहले गुलाम जहाज का नाम है जीसस ऑफ लुइबेक। चलो सब बोलो, जीसस ऑफ लुइबेक। जीसस ऑफ लुइबेक, या फिर गुड शिप जीसस। जहाज का मालिकाना हक इंग्लैंड के राजा हेनरी सात के पास था, लेकिन बाद में महारानी एलिजाबेथ ने इसे गुलामों के ठेकेदार जॉन हॉपकिंस को किराए पर दे दिया और उसने अफ्रीकियों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। वो इसे व्यापार बुलाता था क्योंकि ये वाकई एक व्यवसाय था। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ अननोन डेस्टिनेशन यानी अनजान मंजिल लिखा दिखेगा। चलो सब बोलो, अननोन डेस्टिनेशन। अननोन डेस्टिनेशन। अनजान मंजिल इसलिए क्योंकि गुलामों को पता ही नहीं होता था उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ पता नहीं होता था कि वे अमेरिका नाम के देश जा रहे हैं या यूरोप में, इसलिए वो उसे अनजान मंजिल बुलाते थे। अब हम उस रास्ते पर चलेंगे जहां 400 सालों तक गुलाम चला करते थे। 16वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। अफ्रीका में ये साल 1870 में जाकर खत्म हुआ, यानी 400 सालों की गुलामी।
तो अब हम उसी रास्ते पर चलेंगे। गले में बंधी भारी जंजीरों के साथ ये गुलाम एक लाइन में ऐसी जगह के लिए सीधा चला करते थे जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो। बीच में हम एक जगह रुकेंगे, फिर मैं आप सबको वो पानी दिखाऊंगा जो उन्हें उनकी याददाश्त खोने के लिए दिया जाता था। चलो अब चलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी जहाँ से वापस आना नामुमकिन होता था। हम गुलाम नहीं हैं, हम सामान नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम सामान नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं। पिछली तस्करी नुआदीबू से शुरू की थी। हमने इच्छुक प्रवासियों को एक बड़ी नाव में बिठाया और उन्हें नुआदीबू के तट से लगभग 30 किलोमीटर दूर ले गए। हमने उन्हें नाव में नीचे सोने के लिए कहा और उन्हें मछली पकड़ने के जाल और सामान से ढक दिया ताकि तट रक्षकों को शक न हो, ताकि अगर वो हमारी नाव देखें भी तो लगे कि मछुआरों की नाव है, तस्करों की नहीं। समंदर में दो दिन बीतने पर दूसरे कप्तान ने मुझसे कुछ लोगों को पानी में फेंक देने के लिए कहा, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। वो बोला कि ऐसे तो नाव डूब जाएगी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने वादा किया था कि सभी को स्पेन के लास पाल्मास पहुंचाऊंगा। मैं मछुआरा हूं, हत्यारा नहीं। हमने सफर जारी रखा और कुछ ही किलोमीटर बाद इंजन बंद हो गया। जब मैं देखने गया तो घर्र घर्र की आवाजें आ रही थीं। तट रक्षक बल के जवान पास आ रहे थे तो मैं नाव में नीचे की तरफ छुप गया। तट रक्षक पास आए और हमें शांति बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं कप्तान हूँ, तो मैंने मना कर दिया। वो बोले कि उन्हें पता है कि मैं ही कप्तान हूँ, क्योंकि पिछले 100 किलोमीटर से वो हमारा पीछा कर रहे थे। उस पर मुझे एहसास हो गया कि अब सच बताना ही पड़ेगा। हम तैयार हैं। रोको, ये नियमित जांच है। कृपया रस्सी फेंकिए। कृपया थोड़ा आराम से, हमारी नाव ज्यादा मजबूत नहीं है। आराम से वरना हम डूब जाएंगे। ये एक नियमित जांच है, हम तस्करों की तलाश में हैं। ये तो सिर्फ एक पुरानी मछली पकड़ने की नाव है। अरे ऐसा मत करिए, हमारी नाव को धक्का मत दीजिए। हमें मत बताओ क्या करना है। कागज कहाँ है तुम्हारे? तुम सब मोरितानिया से हो? हाँ। अच्छा जाओ। तटरक्षक बल, नाव रोको, पास चलो। कप्तान, कप्तान कौन है? कागज दिखाओ। अरे देख के नाव को टक्कर मत मारिए। शांत हो जाओ। मैं क्यों शांत होऊं? तुम अपने मछली पकड़ने के क्षेत्र के बाहर हो, पीछे हटो। That's it.
कप्तान, तुम कप्तान हो? हाँ। कागज कहाँ है तुम्हारे? तुम्हारे कागज? जरा ध्यान से। कागज दो अपने। हम कोई अवैध काम नहीं कर रहे, सुबह से ही मछली पकड़ रहे हैं, हमें किसी चीज का कोई डर नहीं। थाने ले चलो इन्हें। मेरे घर में स्वागत है। शुक्रिया। एक भरोसेमंद दोस्त ने बताया कि आपकी नाव तैयार है और जल्द ही स्पेन के लिए निकलेगी। हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। हम कुछ दिन में निकलेंगे। कीमत 760 यूरो। इसके अलावा और भी लगेंगे? नहीं, ये सब कुछ मिलाकर है। पैसा देते ही काम चालू। तैयारी पूरी हो चुकी है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, हम आज रात तक पैसे भर देंगे। आज रात को पैसे देंगे? हाँ, नकद लाएंगे। ठीक है ठीक है, हम बाद में लाते हैं। आने से पहले फोन करना और मैं बता दूंगा कहाँ मिलना है। कप्तान के रूप में मैं नुआकशॉट से नुआदीबू की यात्रा करता हूँ। नुआदीबू में मैं सुनिश्चित करता हूँ कि यात्रा के लिए सब कुछ तैयार है या नहीं। मैं बिचौलिए के साथ तैयारियां जांचता हूँ, नाव की जांच करता हूँ कि वो हमें यूरोप तक ठीक से ले जा पाएगी। सारी तैयारियों के बाद इच्छुक प्रवासियों को रवानगी के बारे में सूचना दी जाती है। रात को उनकी सवारी के बाद हम चुपचाप नुआदीबू से निकल जाते हैं। तटरक्षक दल की नजरों से बचने के लिए हम कई बार नुआदीबू से 70 किलोमीटर दूर निकल जाते हैं। जब उनकी नजरों से बचने का यकीन हो जाता है तो हम स्पेन के लिए अपना GPS सेट कर देते हैं, जिसके बाद वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। रास्ता काफी खतरनाक होता है, चाहे कोई नाव से गिर भी क्यों ना जाए, हम वापस नहीं जा सकते। फिर 2 दिन तक लहरों और प्रकृति से जूझते हुए हम GPS के रास्ते चलते रहते हैं। इन 2 अशांत दिनों के बाद हमें थोड़ा आराम मिलता है और फिर हम स्पेनिश तटरक्षकों से बचने का प्लान बनाते हैं। इस वक्त तक आते आते हम रफ्तार धीमी कर देते हैं और लास प्लामास पहुंचने तक बीच बीच में इंजन बंद करते रहते हैं। ओए, रस्सी फेंको।
उठो चलो, कृपया सब शांति से आसपास बैठ जाइए। हमने रेड क्रॉस को इत्तला दे दी है, वो जल्द ही यहाँ कुछ डॉक्टरों के साथ पहुँच जाएंगे। अब आपको सिर्फ ये करना है कि तैयार रहें। किसी भी वक्त आपको यात्रा और जानकारी का फोन आएगा। आप समझ रहे हैं ना ये कितना खतरनाक है? अगर फोन ना आए तो घबराइएगा मत। ऐसा तटरक्षक दल या ज्वार के कारण हो सकता है। इंशाअल्लाह मेरे साथ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके किराए में नाव और खाना पीना सब शामिल है। इसके अलावा आपको सिर्फ यात्रा की तारीख और वक्त को लेकर एक फोन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है सब अच्छा हो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एक और बात, किसको क्या बताना है इस बारे में सावधानी बरतें। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे तो मैं आपको नहीं जानता और आपके पैसे भी वापस नहीं होंगे। इस बात को मेरी चेतावनी समझें, आप समझ रहे हैं ना? हम यहाँ यात्रा के पैसे देने आए हैं। साथ में गिनते हैं। मैं फोन करता हूँ। हेलो कप्तान अबू। हेलो कप्तान अबू, अस्सलाम वालेकुम। मैं नोवा धेबू से अब्दे रहमान लाटोटो बोल रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए एक काम है। हम पूरी तरह से तैयार हैं।
सिर्फ एक अच्छे कप्तान की जरूरत है। क्या हम जल्द से जल्द मिल सकते हैं कल तक? पैसों की कोई दिक्कत नहीं, आप बस कल नोवा धीबू आते ही मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए। ठीक है, शुभ रात्रि और आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब बीच में रुकने का वक्त हो गया है। उनके यहाँ पहुँचने के बाद हर गुलाम को इस कुएं का पानी पीना जरूरी है। क्या जरूरी है? इस कुएं का पानी पीना। इस कुएं को अफ्रीकी सरदारों ने खोदा था। किसने खोदा था? अफ्रीकी सरदारों ने, जो गुलामों का धंधा कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, उन्होंने ये कुआं खोदा था। जब गुलाम इस कुएं पर पहुंचते तो उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता। पानी पीते ही वो अपनी याददाश्त खो देते और फिर शांत हो जाते। उनकी आक्रामकता कम हो जाती, वो लड़ने की क्षमता खो देते और सिर्फ शांत दिखने लगते। जब वो शांत दिखने लगते तो अपने मालिकों पर हमला भी नहीं कर पाते। सरकार इसे स्लेव एटेन्यूएशन वेल यानी गुलामों को दुर्बल बनाने वाला कुआं कहती है। बोलो, गुलामों को दुर्बल बनाने वाला कुआं। गुलामों को दुर्बल बनाने वाला कुआं। कुछ लोग इसे याददाश्त मिटाने वाला कुआं भी बुलाते हैं। याददाश्त मिटाने वाला कुआं। तो पानी देने के बाद अब वो वहाँ जाते हैं जहाँ से वापस आना नामुमकिन हो। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, लेकिन हम वापस आएंगे क्योंकि हम क्या नहीं हैं? गुलाम। हेलो, जरा मेरे लिए बड़ी वाली जैकेट और चाय ले आओ। मुझे नोवा धीबू निकलना है और पहले ही देर हो चुकी है। जल्दी। आपकी यात्रा अच्छी रहे। शुक्रिया। कुछ पता है आप कब वापस आएंगे? इंशाल्लाह जल्दी लौटूंगा। बच्चे कहाँ हैं? बुलाती हूँ। बच्चों आओ, पापा को अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं दो। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो परिवार की काफी चिंता सताती है, क्योंकि यूरोप की मेरी पहली यात्रा के दौरान मेरी पत्नी गर्भवती थी। उन्हें अकेला छोड़ने और झूठ बोलने के अपराध बोध ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन तब से मैंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा और बढ़िया होगा। अगर मैं जल्द से जल्द जाकर उनके पास लौट आऊंगा, वो मेरे लिए काफी मुश्किल फैसला था और मैंने कभी उसके बारे में बात नहीं की। सिर्फ अपराध बोध के साथ जी रहा हूँ। मैं जल्द लौट आऊंगा इंशाल्लाह। अपना और बच्चों का ध्यान रखना। यात्रा अच्छी हो। अच्छा, बाय।
आपका नाम? ढंग से बैठिए। आपका नाम? माडो। क्या? माडो। उपनाम? नाकोर। आपका नाम? इब्राहिम डेम्बेले। शुक्रिया। तंबू में और लोग भी हैं जिनकी लिस्ट बनानी है। तबीयत कैसी है? बहुत थकान है। पानी पिएंगी? हमें बहुत भूख लगी है, पानी से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमें भूख लगी है। आपने जो किया उसकी गंभीरता समझते हैं? यूरोप पहुँचने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। अगर आपकी नाव को रोका ना गया होता तो यूरोप पहुँचने से पहले ही समंदर में आप सबकी मौत हो जाती। खुद देखिए आप कितनी थकी हुई हैं। उस नाव पर बिल्कुल टिक नहीं पाती। सच में आप यूरोप पहुंच ही नहीं पाती। रास्ते में ही आपकी मौत हो चुकी होती। आप समझ रही हैं ये कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। इस एम्बुलेंस में सिर्फ एक इंसान जा सकता है। हेलो मिस्टर अब्दे रहमान, कैसे हैं आप? मैं नोआ धीबू के रास्ते में हूं, जल्द मिलता हूं। आपका प्लान क्या है? क्या लगता है क्या होगा? जैसा मैंने आपको बताया, मैं 8 लोग ला रहा हूँ।
तीन मेरे आदमी और 5 नुआक शॉट से प्रवासी हैं। आपको 2 प्रवासियों से पैसे मिलेंगे और मैं बाकी 3 के रखूंगा। अगर मैं हाँ कहूँ तो मुझे आपको कुछ नहीं देना होगा? नहीं, आपको पैसे देने होंगे। कितने? अगर आप मुझे 2000 यूरो देंगे तो मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये दिक्कत वाली बात है, आपका दाम मेरे लिए बहुत ज्यादा है। दाम एकदम ठीक है। नहीं, बहुत ज्यादा है। बाकियों को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं। अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन मैं आपको 2 ऐसे लोग दे सकता हूं जो 1800 यूरो देंगे और मैं बाकी 3 के पैसे रख लूंगा। ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। मुझे कितने सारे लोगों को पैसे देने होते हैं, जैसे दुआ पढ़ने वाले फकीर, अधिकारी वगैरह को? वही तो मेरे साथ भी है। चलिए दोनों के फायदे की बात करते हैं। मोल भाव करने की जरूरत ही नहीं, मेरी बात मानिए। बात सुनिए, मैं आम कप्तान नहीं हूँ। इतने पैसे मांगने की एक वजह है। मैं ऐसे ही नहीं मांग रहा, बल्कि सुरक्षा के नजरिए से मांग रहा हूँ। आपके अलावा और भी कई लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैं उन्हें हाँ नहीं कहता। मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। इज्जत देने के लिए आपका शुक्रिया। आप बात समझिए, आप नुआक शॉट में सब कुछ छोड़कर यहाँ हैं। एक यात्री के किराए की वजह से इस मौके को बर्बाद मत कीजिए। मैं आपको 2 यात्री देता हूँ, आप उनसे चाहे कितना भी किराया ले लें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इंशाअल्लाह मैं आपको आपके पैसे जल्दी दे दूंगा। एक, 2, 3, 4, 5, हो गया, इतना ही है? हाँ, इतना ही है। चलिए आज रात के लिए तैयार हो जाएं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आप कल बिना किसी दिक्कत आराम से यात्रा कर पाएंगे। इंशाअल्लाह सब कुछ बढ़िया होगा। Now this is the Atlantic Ocean. This slave ship. ये अटलांटिक महासागर है। चूंकि पानी यहाँ गहरा नहीं होता, इसलिए गुलामों वाला बड़ा जहाज कुछ किलोमीटर दूर हुआ करता था। वे लोग गुलामों को छोटी नावों में अलग अलग जत्थों में बड़े जहाज तक लेकर जाते थे और फिर वहां से अमेरिका या यूरोप। हम गुलाम नहीं हैं। तुम क्यों नहीं गा रहे? हम सामान नहीं हैं। हम गुलाम नहीं हैं। हम सामान नहीं हैं। हम गुलाम नहीं हैं। सब लोग बोलो आजादी। चलो वापस बादागरी। जैसा मैंने आपको बताया, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नाव का लंगर पास ही है। आप लोग 5-5 के समूह में बाहर निकलेंगे और कृपया कोई शोर ना करें। बिल्कुल भागे नहीं, धक्का मुक्की ना करें। सबके लिए काफी जगह है। किनारे पर बैठने की मनाही है। इंशाअल्लाह हम आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि बस आप स्पेन पहुंच ही गए। वहां पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? आप लोग फिलहाल ये सब कुछ मत सोचिए, शांत रहिए और इंशाल्लाह
हम वहाँ जल्द पहुँच जाएंगे। एक अच्छा कप्तान होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुँचाऊँ, और अल्लाह का करम है कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ। स्पेन, हम आ रहे हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, हम आपके सारे नियम मानेंगे। और याद रहे, नाव में शौचालय नहीं होता, इसलिए उम्मीद है आपने बिस्किट और पानी के अलावा और कुछ खाया पिया नहीं है। Don't darn me, bend me.